हम मोहतरमा कविता साहिबा के मशहूर हैं। ये तेलंगाना करके इल्म तहजीब अदब मईशत सब देखिए तेलंगाना तहरीक की इब्तदा चंद्रशेखर राव साहब सियासी कलाकार तो हो चुके और आप लोग लोग सफ़र करके इतना दूर हमारे निज़ामाबाद में आए, आप सबका भी मैं वेलकम करना चाहती हूँ। निज़ामाबाद के बहू होने के रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने आपको जितना भी अरेंजमेंट किया है, मुझे लगता है आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि ये दिन भर का सेमिनार है, दिन भर का ट्रेनिंग है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने अरेंजमेंट किए हैं उसमें तो कुछ तकलीफ़ नहीं आए होंगे, और जो आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है मैं ये चाहती हूँ कि ये सक्सेसफुल हो और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी आगे निज़ामाबाद को करने का मौका भी तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम देगी, ऐसा मैं समझती हूँ। पॉलिटिशियन का और प्रेस का पेशा ऐसा होता है साहब, जितना भी आप काम करो कोई हमें अच्छा बोलने वाला नहीं रहे। पॉलिटिक्स में और प्रेस में एक प्रोफेशनल हज़ार्ड होता है और हमेशा होता भी ये है कि प्रेस रिपोर्टर बनने से पहले बंदा अच्छा सेहतमंद होता है, लेकिन जब प्रेस रिपोर्टर बन जाता है शुरुआत में एसिडिटी आ जाती है, 5 साल में डायबिटीज़ आती है और बाद में 5 साल में बीपी आ जाता है। पॉलिटिक्स में आते ही एसिडिटी हो जाती है, फिर शुगर आ जाता है, फिर बीपी आ जाता है, बाकी सब भी आ जाता है। लेकिन खैर, हम लोगों का जो एक स्ट्रांग फीलिंग होता है कि सोसाइटी के तरफ हम कुछ काम करें, चाहे थोड़ा भी चीटी जितना भी अगर हम बदलाव ला सके सोसाइटी में, किसी को अगर हम हेल्प कर सके, तो हमारा ज़िंदगी, मुझे लगता है जो हम निकलते हैं हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उम्मीद लेके कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम काम में आए, शायद वो फुलफिल हो जाता है, हमारे खुद का हेल्थ चला जाता है। फैमिली मेम्बर्स तो कभी कभी हमें भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को लगता नहीं है कि ये लोग फंक्शन पे टाइम पे आएंगे, किसी मौके पे रहेंगे, ऐसा वो लोगों को लगता नहीं। पॉलिटिक्स में रह के हमारे एमएलए साहब सभी भी एक के बाद एक पूरा दिन भर आपके पास आते जाते रहेंगे, हमारे मिनिस्टर साहब भी आएंगे, वो भी आपसे बहुत बातें बोलेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ साहब, हमारा प्रोफेशन मुश्किल है लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ते नहीं, एक पैशन के साथ हम करते रहते, और ऐसा एक मुश्किल प्रोफेशन में रहने के बावजूद सिर्फ दो ही चीज़ों का हम राह देखते हैं कि जो भी हुकूमत है वो हमारे लिए क्या कर सकती है, पहले तो ये बात है। क्योंकि मैनेजमेंट का जो प्रेशर होता है वो एक अलग होता है। हम यहाँ चाहे उर्दू जर्नलिस्ट फोरम से कितना भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम दे, आप अपने मैनेजमेंट में, आप अपने ऑफिस में जाएंगे तो आपका एक और अलग ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो काफ़ी तेलुगु जर्नलिस्ट तो मेरे साथ यही कहते हैं कि दीदी, हम तेलंगाना वाले हैं, तेलंगाना के बारे में अच्छा लिखना चाहते थे, ये तेलंगाना के फॉर्मेशन से पहले की बात में बोल, तेलंगाना के बारे में अच्छा लिखना चाहते हैं, तेलंगाना के बारे में जो मूवमेंट चला रहे हैं उनके बारे में लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट के साथ हमें प्रेशर होता है कि ये मत लिखो, वो मत लिखो, ये इस लाइन में लिखो, वो उस लाइन में लिखो। तो ये तो होना ही है, यहाँ पर ओरिएंटेशन हम जितना भी बोलें, जितना भी हम जर्नलिज्म के एथिक्स के बारे में, मॉरल्स के बारे में यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करें, फिर भी मैनेजमेंट का एक अलग ओरिएंटेशन होता है। मैं उनका कोई बुराई नहीं कर रही, क्योंकि दुनिया भर में आजकल जो अखबार चलाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा लोग इसको एक बिजनेस मान के चलाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। मैनेजमेंट का हर एक अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, हर एक अपना अपना ओरिएंटेशन रहता है। मैं तो इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि एक तरफ अपने जर्नलिस्ट बनने का जो बुनियादी ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो लोगों को सेवा करने के लिए हम बाहर निकल के आते हैं, उसको कायम रखते हुए मैनेजमेंट के पॉलिसी के तहत चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बैलेंस करना एज अ जर्नलिस्ट। स्कीम हो रहे हैं, स्कीम बन रहे हैं, ऐसा तो दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में किसी भी रियासत में नहीं है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो आप ज़रा उस पर ज़ोर दे के लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाने का काम कीजिए, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और रहा हमारे जर्नलिस्ट भाइयों का बात, अक्रेडिशन कार्ड का एक मसला था पहले, 23 डिस्ट्रिक्ट्स में जब हमारा आंध्र प्रदेश था
23 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 1400 कार्ड उस समय दिए थे, लेकिन हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट पुराने जो 10 डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हमने 2600 न्यू अक्रेडिशन कार्ड अभी दिए हैं। और अक्रेडिशन कार्ड देने में पहले एक सेलेक्टिव पॉलिसी होता था सब, लेकिन TRS गवर्नमेंट आने के बाद एक कलेक्टिव पॉलिसी होती है। पॉलिसी बनेगी तो सबके लिए बनेगी, पॉलिसी किसी के लिए सेलेक्टिव नहीं बनेगी। तो एक पॉलिसी हमने ऐसे निकाली, अक्रेडिशन के लिए INPR में एक अलग से कमिटी भी बनाया है, और अक्रेडिशन के लिए सिर्फ हैदराबाद में रहने वाले जर्नलिस्टों के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले, मंडल्स में रहने वाले जर्नलिस्टों के लिए भी अक्रेडिशन का हमने पॉलिसी बनाया है। पर्टिकुलरली 1 लाख से ज़्यादा कहीं पर अगर पॉपुलेशन है तो और एक एडिशनल अक्रेडिशन कार्ड देने का फैसला भी हमारे सरकार ने किया है। आपको ये भी मालूम होगा कि पहले अगर अक्रेडिशन कार्ड होता था तो ही हेल्थ बेनिफिट्स मिलते, लेकिन अभी हेल्थ कार्ड 500 से ऊपर, यानी अक्रेडिशन कार्ड 2600 है तो हेल्थ कार्ड 5000 के ऊपर हम अभी दे रहे हैं हमारे सरकार से। ये मैं आप सबको भी जानकारी देना चाहती हूँ। और साथ में सिर्फ पहले फील्ड जर्नलिस्ट के लिए अक्रेडिशन कार्ड होते थे, अभी डेस्क जर्नलिस्ट के लिए भी अक्रेडिशन कार्ड देने का फैसला हमारे हुकूमत ने किया है। 31 डिस्ट्रिक्ट में, कई थोड़े डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग है अभी अक्रेडिशन कार्ड्स देने का, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में यह डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म हो गया है। और उन्होंने बिला के मीटिंग किया था और उस मीटिंग के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हेल्थ कार्ड्स मिलने में देरी हो रही है, तो ये हेल्थ कार्ड जब तक नहीं मिलेंगे